चलो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का एक चैप्टर है मैथ्स में सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जहाँ से शुरू होती है, हम क्लास 10th में पढ़ते थे कि अंडरूट में माइनस आने पर उसे काल्पनिक संख्या कहकर हम आगे सॉल्व नहीं करते थे। पर इसमें सम्मिश्र संख्या में क्या करना है, जो काल्पनिक संख्या है उनका हमें वर्गमूल और काल्पनिक संख्या को हमें करना है। जैसे देखो आयोटा, आयोटा का मान क्या होता है, माइनस अंडरूट माइनस एक, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एक। इस प्रकार आयोटा की घात तीन कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, और आयोटा की घात चार कितना हो जाएगा, एक। इस प्रश्नावली में हम सिर्फ पूरा आयोटा के बारे में पढ़ेंगे। आयोटा एक काल्पनिक संख्या है जिसे हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखते हैं। इस पर देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे 5 प्लस आयोटा इंटू 6 प्लस आयोटा को सरल करो, तो हम देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 + 30 प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ऐसा कैसे प्लस 11 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस एक। 30 में से एक गए 29 प्लस 11 आयोटा, ये इसका आंसर है। इसके आगे हम पढ़ेंगे और